हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार, आज लेके आया एक नया वीडियो जिसमें कि आप देख सकते हैं डीएफसीसीएल एग्जाम 2018 जो कि 11 नवंबर 2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलकॉम के लिए, जिसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट वन हमने कर चुका है। इसमें पार्ट टू में आपके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसमें। सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो ये है आपके एनालॉग वाले जो पार्ट था उससे हैं। तो यहाँ पे हैं आपके कि द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट व्हेन ऑपरेटिंग इन पिंच ऑफ करंट 10 मिली एम्पियर लेमडा इक्वल टू 0.05 पर वोल्ट इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपका गिवन है आपके लेमडा 0.05 पर वोल्ट और ये है पिंच ऑफ करंट, तो जिसको कि आप आईडी से यहाँ डिनोट कर सकते हैं। तो ये हैं आपके 10 मिली एम्पियर, जिसको कि 10 × 10⁻³ एम्पियर। तो सिंपली यहाँ से पूछ रहा है आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट दैट इज इक्वल टू 1 + 1/λ × ID। तो सिंपली 1 upon 0.05 × 10 × 10⁻³। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100, इससे 10 गया और 5 × 2, सो 2 upon 10³, तो ये सिंपली 2 किलो ओम हो जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिग्नल पावर एंड नॉइज पावर आर डिनोटेड बाय एस। तो सिंपली सिग्नल पावर जो है वो एस है स्टार्टिंग में और नॉइज पावर आपका एन है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ द सिग्नल पावर इंक्रीजेज टू 3S, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, जो एस है वो आपका 3S हो जा रहा है और जो एन नॉइज पावर है वो आपका रिड्यूस होके हाफ हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे आपका क्या हो रहा है, इसका जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है, SNR होता है S/N। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको ओल्ड बता रहा है, वो ओल्ड है और न्यू में आपका क्या होगा, S/N न्यू, तो सिंपली 3S/N/2, तो सिंपली 6S/N। तो S/N क्या है, ये ओल्ड है, तो सिंपली ये ओल्ड हो गया। तो यहाँ से पुट कर रहे हैं, पूछ रहा है कि आपका रेशियो ऑफ ओल्ड SNR टू न्यू SNR, तो आपका ओल्ड रेशन यानी कि SNR आपका ओल्ड अपॉन SNR न्यू, तो सिंपली S/N/6 × S/N। तो S/N कैंसिल, तो हुआ 1/6, तो सिंपली यहां से 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपके कंट्रोल सिस्टम वाले सेक्शन में था जो कि सिग्नल एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। तो डेल्टा जो फंक्शन है आपके यूनिट इंपल्स फंक्शन, तो इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो सिंपली जो आपका डेल्टा टी होता है −∞ to ∞ डेल्टा ऑफ टी, ये होता है 1 आपका एरिया, इसका एरिया 1 होता है। और एक प्रॉपर्टी है आपका कि कोई भी इंटीग्रेशन हो −∞ to ∞ रेंज होनी चाहिए, फंक्शन एफ ऑफ टी हो और डेल्टा ऑफ टी माइनस ए है, डायरेक्टली इसका आंसर होता है एफ ऑफ ए। जो ये ए है वो डायरेक्टली आप फंक्शन में पुट कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका −7 to 2 है, फंक्शन है (t³)t²+(t³)+1 डेल्टा ऑफ टी माइनस थ्री, यहाँ पे ए आपका 3 है, लेकिन यहाँ पे जो आपके लिमिट हैं वो −7 to 2 है, यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड लिमिट है। −∞ to +∞ अगर होता तो सिंपली यहाँ पे टी को थ्री से रिप्लेस कर देते, वो आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका −7 to −2 है, यानी कि जो आपके लिमिट है −∞ to +∞ नहीं है, तो डायरेक्टली इसका आंसर 0 होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन होता ऐसा −∞ to +∞ (t²)t³+1 डेल्टा ऑफ टी माइनस थ्री, तो डायरेक्टली इसका आंसर होता आपका 3² + 3³+1, तो सिंपली ये 9 + 27 + 1 = 37 होता इस केस में, जब लिमिट आपका −∞ to +∞ होता, लेकिन यहाँ पे लिमिट −∞ to +∞ नहीं है, यहाँ इसलिए इसका आंसर होगा आपका 0। सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका है फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको यहाँ से ये दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी ही नहीं है, तो इसमें आप लोग ऑब्जेक्ट करिए, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आप लोग डालिए, क्योंकि ये आपका दिख ही नहीं रहा है कि कौन से आपके इसमें रेजिस्टेंस हैं, क्या रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है, ये दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे आप देखते हैं बहुत देखने पे आपको जूम करने के बाद हमको पता चला कि ये आपका है, ये वाला आपका 5 ओम है, ये आपका है, ये भी 5 ओम है, जो कि ये तो दिख ही नहीं रहा, साफ ही नहीं दिख, काफ़ी जूम करने के बाद दिखता है कि ये 5 ओम है, जो कि वहाँ पे तो ऑप्शन नहीं था जूम करने का। ये आपका 7 ओम है और ये आपका 10 ओम है, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो सिंपली ये क्या होगा, यहाँ से हम देखेंगे RTH, तो यहाँ से देखिए करंट जब यहाँ से फ्लो होगा तो करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये चूंकि ओपन सर्किट है तो यहाँ से करंट सेम करंट आएगा यहाँ, और ये करंट सेम आएगा यहाँ, तब फिर कंबाइन होके यहाँ पे जाएगा, यानी कि ये सेक्शन आपका सीरीज में है, यानी कि 5 प्लस 7, 5 और 7 सीरीज में है, और इधर 5 प्लस 10, जो 5 प्लस 10, ये 5 और 10 ये भी सीरीज में है, और दोनों एक दूसरे यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो दोनों जो ब्रांच है एक दूसरे के पैरेलल में है, तो ये पैरेलल जो कि RTH, सो सिंपली 12 पैरेलल 15, तो RTH डायरेक्टली पैरेलल के लिए क्या करते हैं, 12 × 15, 12 प्लस 15, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6.66 ओम, सो यहाँ से ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ से आपका है फाइंड द रेजिस्टेंस R1 एंड R3 इन द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सिंपली यहाँ पे R1 है, ये आपका जो कि वोल्टेज गिवन है 8 वोल्ट, ये R2 है जो कि 7 ओम गिवन है, यहाँ वोल्टेज नहीं है, ये R3 है, यहाँ भी वोल्टेज गिवन है 5 वोल्ट, ये आपका 24 वोल्ट है। तो एक हम सर्किट ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसा सर्किट है, ये है आपका 24 वोल्ट, और ये है आपका 5 वोल्ट, ये आपका 7 ओम है, ये आपका 8 वोल्ट है, ये R1 है, ये आपका R3 है। यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है आपके जो पोटेंशियल का, जो यहाँ पे प्लस माइनस ये जो साइन है, ये ऑलरेडी डिसाइन यहाँ पे असाइन है डायरेक्शन, यहाँ देखिए, और यहाँ भी आपका प्लस माइनस, दैट मीन्स कि करंट का जो डायरेक्शन है ये ऐसे आएगा, करंट का डायरेक्शन। सो ये हम करंट है जूम कर लेते हैं और KVL लगाते हैं यहाँ पे, ये आपका 24 वोल्ट है, तो KVL लगाते हैं, तो KVL जब लगाएंगे तो सिंपली क्या होगा कि 24 माइनस 8 वोल्ट, यहाँ पे 8, यहाँ से करंट चला आपका, ये प्लस माइनस है, मैं माइनस को यहाँ से प्लस ले रहा हूँ, प्लस को माइनस ले रहा हूँ, 24 माइनस 8, यहाँ से करंट जाएगा, करंट क्या है I हमने जूम किया है, तो माइनस ये भी प्लस माइनस, तो ये आपका 7 × I, बिकॉज यहाँ पे करंट है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस इंटू करेंट होता है 7 I, यहाँ से आपका -5 = 0, बाकी कुछ नहीं है। सो सिंपली यहाँ से 24 - 8 - 5, तो ये हो जाएगा 11 = 7 I, सो I = 11/7 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपका R3 और R1, तो सिंपली R1 = क्या हो जाएगा, R1 = बिकॉज V = होता है IR, तो R = V/I, तो V क्या है यहाँ पे, R1 होगा V1/I, तो V1 है आपका 8 वोल्ट, I क्या है 11/7, तो ये होता है 56/11, तो ये 5.09 समथिंग ये आपका ओम हो गया। R3 की बात करें तो R3 के लिए फिर से V3/I, सो V3 आपका 5/11/7, सो सिंपली 35/11, तो ये हो गया 3.18 ओम, तो R1 हो गया आपका 5.09 ओम, R3 हो गया आपका 3.18 ओम, तो ये आंसर हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, प्रैक्टिकल सिग्नल कुड बी, तो जो प्रैक्टिकल सिग्नल होता है वो आपके टाइम लिमिटेड भी होता है और बैंड लिमिटेड भी होता है, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, सिस्टम विथ यूनिटी गेन मार्जिन एंड फेज, यानी कि गेन मार्जिन आपका 1 और फेज मार्जिन 0 की बात कर रहा है, तो यूनिटी गेन मार्जिन अगर dB में ले तो ये 0 dB भी होता है, और सो यहाँ से
फेज मार्जिन की बात जीरो कर रहा था। ये क्वेश्चन मैंने कल एक बार डाला था इसमें फर्स्ट पार्ट का, तो उसमें आपका जो अभी फिर से अपलोड कर दिया हूँ मैंने करेक्ट करके, वो क्वेश्चन हटा दिया था मैंने, तो उसमें मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया था। एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल वाले में वैसा क्वेश्चन था, तो मुझे लगा एसएनटी वाला ही है, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया था आपको। तो उसमें एक्सप्लेनेशन पूरा करेक्ट था, सिर्फ मैंने आंसर बताया था कि ये नहीं हो सकता, लेकिन यही होता है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपका तीन कंडीशन इसमें होते हैं, तीनों कंडीशन बता देता हूँ कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों अगर आपका पॉजिटिव हो और, तो ये आपका सिस्टम जो होता है वो आपका स्टेबल होता है। एक और कंडीशन, अगर गेन मार्जिन फेज मार्जिन अगर नहीं देगा और गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी की बात करेगा, तो ये कंडीशन हो तो भी सिस्टम आपका स्टेबल होगा। अनस्टेबल की बात, जब गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों आपका निगेटिव हो, तो ये आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। और गेन क्रॉस ओवर फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो यहाँ से सो ये लेस देन ओमेगा जी सी, तो ये आपका अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। और अगर गेन मार्जिन आपका यहाँ से वन हो, गेन मार्जिन आपका वन हो, चाहे फिर डीबी में जीरो डीबी हो, और फेज मार्जिन आपका जीरो हो, तो ये होता है मार्जिनली स्टेबल। तो एक्चुअली मार्जिनली स्टेबल नहीं देखे, ऑसलेटरी दिया हुआ, तो मार्जिनली स्टेबल और ऑसलेटरी दोनों एक ही चीज़ हुआ, तो यहाँ से आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, ऑसिलेटरी। सो यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नॉइज इम्यूनिटी, मैंने एक टेबल आपको दिया था जब मैं करवा रहा था क्रैश कोर्स में, तो उसमें आपके पूरे उसमें थे कि एस के जो होता है सबसे इसका लिस्ट नॉइज इम्यूनिटी होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये भी डाउटफुल है, ऑब्जेक्शन आप लोग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी अगर जो रियल नंबर है, रियल नंबर आपका अगर पॉजिटिव है तो जीरो डिग्री आपका फेज होता है, उसका फेज आपका जीरो डिग्री होता है। और रियल नंबर आपका कोई भी रियल नंबर अगर निगेटिव है तो उसका प्लस माइनस 180 डिग्री, डिपेंड करता है कंडीशन पे, प्लस माइनस 180 डिग्री आपका फेज होता है। तो या तो प्लस 180 डिग्री या माइनस 180 डिग्री, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पे बोल रहा है कांस्टेंट के इज निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव की बात कर रहा है, तो देख सकते हैं माइनस के प्लस जे जीरो। सो ये देख लीजिए, अगर निगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये आपके जा रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 to 90 डिग्री और 90 to 180 डिग्री। तो एक्स एक्सिस आपका क्या होता है, इधर निगेटिव होता है, ये सारे आपके निगेटिव होते हैं, वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है, वाई पे क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो ये अगर आपका निगेटिव है तो निगेटिव में आपका क्या होता है 180 डिग्री यहाँ से प्लस, यहाँ से 180 डिग्री माइनस, तो आपके प्लस माइनस 180 डिग्री यहाँ पे होते हैं। तो माइनस के हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर फाई की बात करें, थीटा की बात करें, जो भी कर लीजिए, टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो जीरो अपॉन माइनस के ऐसा आएगा। सो ये आपका जीरो डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री में अगर ऐसा जीरो माइनस करें तो प्लस माइनस आपके 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री आंसर होना चाहिए, यहाँ पे जीरो डिग्री है, तो ये डाउटफुल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि प्लस माइनस 180 डिग्री ये होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो 180 डिग्री या माइनस 180 डिग्री, तो ऑप्शन में आपका 180 डिग्री है, तो मेरे अकॉर्डिंग कि ये ऑप्शन आपका 3 यहाँ से करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए 180 डिग्री। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम गिवेन बाय एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई रेस्ट पावर ए टी यू टी, द सिस्टम इज काउजल, यहाँ पे काउजल नॉन काउजल स्टेबल अनस्टेबल की बात कर रहा। तो यहाँ पे आपको मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म से इसको बता देता हूँ कि जो एक्स ऑफ टी है ये आपका ई रेस्ट टू पावर यू टी ए टी यू ऑफ टी है, ये आपका यू टी है, जैसे मीन्स राइट साइडेड सिग्नल है। तो सिंपली इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ एस, ये हो जाता है वन अपॉन एस माइनस ए। अगर इसका आप आर ओ सी लेंगे तो ये आपका है जैसे जे ओमेगा और ये आपका सिग्मा, सो ये जीरो, तो प्लस ए, इसका जो पोल है प्लस ए है, तो यहाँ पे आपका आएगा, तो इसको ऐसा लेते हैं, ये ऐसा आएगा आपका इसका आर ओ सी। आर ओ सी से आपका लग रहा है कि ये आपका राइट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड आर ओ सी भी है और सिग्नल भी कर सकते हैं, राइट साइडेड सिग्नल है। राइट साइडेड सिग्नल जब भी होता है तो वो आपका होता है काउजल,
और बात कर लेते हैं कि स्टेबल अनस्टेबल की, तो स्टेबल सिस्टम के लिए कंडीशन है कि जो आरओसी होना चाहिए वो आपका जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, माइनस ए टू प्लस ए अगर होता तो आपका ये आपके जो है जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करता, तो वो इंक्लूड नहीं कर रहा है। राइट, सिर्फ अगर राइट साइडेड सिग्नल है अनस्टेबल, सिर्फ लेफ्ट साइडेड सिग्नल है अनस्टेबल, अगर बोथ साइडेड यानी कि डबल साइडेड सिग्नल है जो कि जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है तो वो आपका सिस्टम स्टेबल होता है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि टी टेंस टू इन्फिनिटी अगर आप लेते हैं, इसको एक्स ऑफ टी है और टी टेंस टू इन्फिनिटी पे ये देगा आपका इन्फिनिटी यानी कि अनबाउंडेड, बाउंडेड आउटपुट नहीं देगा, तो ऐसे भी ये आपको अनस्टेबल लग रहा है और इससे लेप्लास ट्रांसफॉर्म से भी अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, काउजल एंड अनस्टेबल, सो ऑप्शन थ्री यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे डैश इंडिकेट्स नॉट ओनली वेदर अ सिस्टम इज स्टेबल बट ऑल्सो इट्स डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड हाउ स्टेबिलिटी मे बी इम्प्रूव्ड इफ नेसेसरी। तो यहाँ पे बात कर रहा है निक्विस्ट प्लॉट की, तो मैं बता दूँ कि निक्विस्ट प्लॉट का यूज क्या होता है। तो निक्विस्ट प्लॉट का यूज होता है कि टू ड्रॉ द आपके कंप्लीट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का कंप्लीट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। दूसरी बात कि आरएचएस में कितने पोल हैं, क्लोज लूप पोल आपके कितने हैं आरएचएस साइड में, तो वो आप इससे पता कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपके के वैल्यू का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है के, उसके रेंज पता कर सकते हैं, क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी को पता कर सकते हैं इससे। दूसरी बात है कि निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डेवलप किया गया है, आपके मैथमेटिकल प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट, उससे आपको डेवलप किया गया है। दूसरी बात है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी आप इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं निक्विस्ट प्लॉट से, वो आपके गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के द्वारा, और इसमें आपके जो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी आपके ये बताता है निक्विस्ट प्लॉट। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का निक्विस्ट प्लॉट हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका विच मॉड्यूलेशन टेक्निक्स डज नॉट यूज पास्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मॉड्यूलेशन। यहाँ पे आपका ये जितने भी एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स को डीपीसीएम की बात कर रहा है, ये सारे आपके पास्ट इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, लेकिन आपको क्योंकि सब में फीडबैक होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में कोई फीडबैक वगैरह नहीं होता है। तो आपको मैं बता दें, तो पल्स कोड जो मॉड्यूलेशन होता है पीसीएम, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। तो फर्स्ट जो होता है यहाँ पे सैम्पलर होता है, सैम्पलर होता है, ये आपका वॉइस सिग्नल होता है। सैम्पलर के बाद आपका क्वांटाइजर होता है, क्वांटाइजर के बाद आपका इनकोडर होता है, इनकोडर के बाद आपका रीजेनरेटिव रिपीटर होता है, रीजेनरेटिव रिपीटर, और ये आपका रीजेनरेटिव रिपीटर लगा रहता है, फिर से रीजेनरेटिव रिपीटर, सेम आरआर में लिख देता हूँ रीजेनरेटिव रिपीटर। उसके बाद आपका होता है डिकोडर, यहाँ से आपका डिकोडर, और उसके बाद आपका होता है एलपीएफ लो पास फिल्टर, और फिर आपका आउटपुट। तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका रिसीवर है, और ये वाला सेक्शन जो है ये आपका ट्रांसमीटर है। तो यहाँ से कहीं भी फीडबैक नहीं है, इसलिए पास्ट इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करता है पीसीएम। सो आंसर आपका 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफिनेशन फॉर फेज मार्जिन एंड गेट मार्जिन। सिंपल आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो सिंपली आपका ऑप्शन 2 इसका ये करेक्ट ही है, तो इसका आपका ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे इफ द इनपुट्स टू कंट्रोल सिस्टम आर ग्रेजुअली चेंजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। ग्रेजुअली चेंजिंग फंक्शन यानी कि ये स्लोप की बात कर रहा है, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये देख लीजिए, ये आपका क्या है आर ऑफ टी है यानी कि रैम्प। अब ये देखिए जितने भी ये ग्रेजुअली चेंज है यानी कि एक फिक्स पैटर्न है इसका चेंज होने का, जो स्लोप आपका तो कॉन्स्टेंट है हर जगह, तो ये क्या होता है आपका रैम्प होता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा रैम्प फंक्शन। फिर है सडनली डिस्टर्बेंस, तो ये देखिए जीरो पे है वो सीधा यहाँ से आपका ये क्या है आपका यूनिट स्टेप, सो ये आपका यहाँ से स्टेप फंक्शन। दूसरा है आपके सब्जेक्ट टू शॉक इनपुट्स, तो सिंपली ये आप रैम्प की बात कर रहा है, तो ये देखते हैं जीरो पे ये इन्फिनिटी होता है, बाकी जगह ये जीरो होता है। सबसे ज़्यादा लैब वगैरह में यही यूज होता है आपके टेस्टिंग के लिए, ज़्यादातर आप कम्युनिकेशन वगैरह में भी देखेंगे तो ये यूज होता है। तो ये आपका डेल्टा ऑफ टी यूनिट इम्पल्स है, तो ये आपके इम्पल्स फंक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंडीशन वेयर इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन
drives the output of a controller into saturation is called. तो ये आपका wind up होता है, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं कि आपके जो integral controller होता है उसका क्या है आपका block diagram. तो ये आपका ऐसा है plus minus K1 upon S, ये आपका ओमेगा n स्क्वायर एस एस प्लस टू जीटा ओमेगा n, ये यहाँ से आपका फिर वे खाता है आर ऑफ एस. तो ये आपका इंटीग्रल कंट्रोलर का डायग्राम है. इंटीग्रल कंट्रोलर ये है. इसमें होता है कि ये टाइप और ऑर्डर इसका इंक्रीज करता है वन से. उसके बाद सिस्टम जो है ये इसका सिस्टम जो है लेस स्टेबल होता है. स्टेडी स्टेट एरर इससे रिड्यूस होता है और स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी इम्प्रूव होता है. तो यहाँ से सिंपल पूछा था थ्योरेटिकल कि ये क्या होता है, कंट्रोल एक्शन ड्राइव्स द आउटपुट ऑफ ए कंट्रोलर इनटू सैचुरेशन इज कॉल्ड, ये वाइंड अप आपका है. तो ऑप्शन थ्री इसका सॉरी थर्ड का वन यहाँ से ये करेक्ट है, इसका सेकंड करेक्ट है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम एट द स्टेडी स्टेट डज नॉट एग्री विद द इनपुट. तो सिंपली इनपुट से एग्री नहीं है, दैट मीन डिफरेंस है, तो स्टेडी स्टेट एरर है. और सिस्टम इज सेड टू हैव स्टेडी स्टेट एरर व्हिच डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम. तो सिंपली इसका ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट है. सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस. तो कल फिर से लेके आएंगे आपके जो प्रीवियस अभी जो DFCCL के एग्जाम के हुए हैं वो क्वेश्चन, और आपके जो नाइलेट वाले हैं जो साइंटिस्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट का जो जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उनके भी क्वेश्चंस कल आएंगे, और UPPCL के 2013 के भी कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे. तो मैं एनालॉग वाला जो बीट कवर करूंगा, एनालॉग सर्किट वाला BJT, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस UPPCL और आपके DFCCIL सॉरी नाइलेट में आए हैं साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिस्ट दोनों पोस्ट के, तो वो कल मैं डिस्कस करूँगा. साथ साथ DFCCIL के भी जो अभी पेपर हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा. सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT. स्टे ट्यून्ड CMT.